आज हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा आने वाला कल डिसाइड करता है। अब वह हम पर डिपेंड करता है कि वह एक्शन हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव, जाने या अनजाने में सही। लेकिन युजवेंद्र चहल के बचपन में खेले गए चेस का तजुर्बा उन्हें क्रिकेट की फील्ड में हेल्प कर रहा है। हमेशा बैट्समैन से एक चाल आगे की सोचना और अपने जाल में उनको फंसा के आउट करना। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। युजवेंद्र सिंह चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के छोटे से गांव जींद में हुआ। पिता के चहल एक वकील थे और माँ सुनीता चहल एक हाउसवाइफ है। पिता अपने जमाने में यूनिवर्सिटी लेवल के क्रिकेटर थे जो फॉर्मर इंडियन टेस्ट प्लेयर युजवेंद्र सिंह के फैन थे। 1977 के टेस्ट मैच में युजवेंद्र सिंह ने 7 कैच पकड़े थे और जब बेटे का नामकरण हो रहा था तब के चहल ने अपने बेटे का नाम अपने आइडल युजवेंद्र सिंह के नाम पर रख दिया। जब चहल बड़े हुए तो कहीं वह किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, इस वजह से उनके पेरेंट्स ने चहल को इंडोर गेम चेस से इंट्रोड्यूस किया। चहल को भी चेस का गेम खेलने में बहुत मजा आने लगा। बचपन एक गीली मिट्टी की तरह होता है, उसे जैसा आकार दो वह वैसा बन जाती है। बहुत छोटी सी उम्र में इस गेम के द्वारा चहल ने पेशेंस रखना सीखा और अपने ओपोनेंट से 2 कदम आगे की सोच के उसे जाल बिछाकर मात देना सीखा। चहल बचपन से ही शार्प माइंडेड है। साल 2002 में हुए अंडर 12 नेशनल चिल्ड्रन चेस चैंपियनशिप में वह चैंपियन थे। चहल एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर बनना चाहते थे। उनकी सक्सेस देखकर उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया। अगले साल अंडर 12 एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में चहल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। टूर्नामेंट केरला में हुआ था और चहल 13वीं पोजीशन पर थे। हल्की दिगी ग्रीस में हुए वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में वह 67 पोजीशन पर थे। हाई लेवल पर खेलने के लिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत थी और उस वक्त प्रोफेशनल चेस ट्रेनिंग की सालाना फीस 5 लाख थी। उन लोगों ने स्पॉन्सर्स को कॉन्टेक्ट किया लेकिन उन्हें एक भी स्पॉन्सर्स नहीं मिले। मजबूरन चहल को इस गेम को छोड़ना पड़ा। युजवेंद्र चहल का नाम FIDE की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दर्ज है। जैसा कि इंडिया में ज्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो चहल जब 7 साल के थे तभी से वह अपने स्कूल के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे और जब उन्हें यह बात समझ में आ गई कि चेस में अब वह आगे नहीं खेल सकते तो उन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट को दिया। जींद में क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटी नहीं थी तो पिता ने अपने 2 एकड़ के जमीन पर 2 पिच बनवाए थे। एक कंक्रीट का जिस पर चहल बैटिंग प्रैक्टिस करते थे और दूसरा टर्फ जिस पर बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे। आसपास के लोकल बच्चे और दोस्तों को बुलाकर अपने स्किल को इम्प्रूव करते थे। अच्छी ट्रेनिंग के लिए चहल ने जींद क्रिकेट स्टेडियम जाना शुरू किया। वहाँ के कोच विनोद मेहता के अंडर उन्होंने क्रिकेट के बेसिक को सीखा। कोच रणधीर सिंह ने भी चहल की काफी हेल्प करी। बाद में चहल ने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन ले लिया, जहाँ उन्होंने बेहतर कोचेस के गाइडेंस में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले। दिन ब दिन उनका गेम निखरता गया। स्कूल टाइम में चहल मीडियम पेस बॉलिंग करते थे लेकिन अपने फिजिक की वजह से उन्हें स्पिनर बनना पड़ा। 10 साल की उम्र में उनका अंडर 14 हरियाणा की टीम में सिलेक्शन हुआ। धीरे धीरे वो एज लेवल क्रिकेट में ऊपर बढ़ते गए। बेहतर फैसिलिटी और ट्रेनिंग के लिए वह दिल्ली कोच रणधीर सिंह के साथ शिफ्ट हो गए। इसी बीच उन्हें 3 बार नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। साल 2006, 2007 और 2008 में प्रवीण आमरे और डेविड वॉटमोर के अंडर कैंप में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अंडर 17 और अंडर 19 में वो टीम के कैप्टन थे। 2009 नेशनल अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 34 विकेट लिए और बल्ले से 300 रन भी बनाए। इस परफॉर्मेंस की वजह से उनका हरियाणा रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ। 3 नवंबर 2009 को मध्य प्रदेश के अगेंस्ट अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उसी सीजन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। टूर्नामेंट के 3 मैच के 4 इनिंग में 5 विकेट लिए, विथ एन एवरेज ऑफ 16.20। 10 फरवरी 2010 को लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। साल 2011 IPL में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया लेकिन उसी सीजन उन्हें एक भी मैच नहीं मिला। लेकिन उस साल की चैंपियंस लीग के लिए मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में रखा और उस टूर्नामेंट के हर मैच में वह प्लेइंग 11 में थे।
आरसीबी के अगेंस्ट फाइनल में 3 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट चटके और मुंबई इंडियंस को टाइटल जितवाया। इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद आईपीएल के अगले 2 साल में उन्हें सिर्फ एक ही मैच मिला। इसकी वजह हरभजन सिंह और प्रज्ञान ओझा की टीम में मौजूदगी भी थी। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां से टैलेंटेड क्रिकेटर्स अपने स्किल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट परफॉर्म करने पर उन्हें बहुत ही जल्द रिकॉग्नाइज मिल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ युजवेंद्र चहल के साथ। 2014 आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने चहल को 10 लाख के बेस्ट प्राइस पे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस आईपीएल में उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस था। टूर्नामेंट की 14 मैच में उन्होंने 12 विकेट लिए, विथ एन एवरेज ऑफ 32.16 एंड इकोनॉमी ऑफ 7.01। अगले साल 2015 आईपीएल में उनका जबरदस्त प्रदर्शन था। टूर्नामेंट के 15 मैचों में उन्होंने 23 विकेट लिए, विथ एन एवरेज ऑफ 18.04 एंड इकोनॉमी ऑफ 8.86। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें उम्मीद थी कि इंडियन टीम के लिए उन्हें कॉल आएगा, लेकिन उस साल उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। 2016 के आईपीएल में एक बार फिर अच्छा परफॉर्मेंस करके उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम का दरवाजा खटखटाया। पूरे टूर्नामेंट के 13 मैच में 21 विकेट लिए, विथ एन एवरेज ऑफ 19.04 एंड इकोनॉमी ऑफ 8.15। जून 2016 में आखिरकार उन्हें इंडियन टीम के लिए कॉल आया। 11 जून 2016 को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया। उस मैच के 10 ओवर में उन्होंने 27 रन देकर 1 विकेट लिए। अगले मैच में उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में 3 बैट्समैनों को फंसाया, सिर्फ 26 रन दिए और टीम को 8 विकेट से मैच जितवाया। 18 जून 2016 को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। धीरे धीरे वो T20 के स्पेशलिस्ट माने जाने लगे। 1 फरवरी 2017 को वह पहले इंडियन बॉलर बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लिया हो। उस मैच में उन्होंने 25 रन देकर 6 विकेट लिए। 18 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट MCG में अपना दूसरा 5 विकेट हॉल लिया। उस मैच में उन्होंने 42 रन देकर 6 विकेट लिए। ओवरसीज कंडीशन और ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे इतना बेहतरीन गेंदबाजी करने की वजह से 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए उन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया। टूर्नामेंट के 8 मैच में उन्होंने 12 विकेट लिए, विथ एन एवरेज ऑफ 36.83 एंड इकोनॉमी ऑफ 5.97। 4 अक्टूबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 मैच में उन्होंने रविंद्र जाडेजा को एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट रिप्लेस किया। बाद में उस मैच में वह मैन ऑफ द मैच बने, बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू डू सो। आईपीएल में हर साल उनका अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन 2021 T20 वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। इस इंसिडेंट ने काफी सवाल खड़े किए। चहल को भी बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत में कभी कोताही नहीं बरती। 2022 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया और इस सीजन के 17 मैच में उन्होंने 27 विकेट लिए, विथ एन एवरेज ऑफ 19.52 एंड इकोनॉमी ऑफ 7.75। बेस्ट फिगर्स 5 विकेट पर 40 रन और पर्पल कैप अभी उनके नाम है। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की, इसने एक गेम में अपना नाम बनाया और जब उस गेम में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए तो हार नहीं माना और अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। आज अपने मेहनत और डिसिप्लिन से क्रिकेट में अपना नाम बना रहे दोस्तों युजवेंद्र चहल से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले और बड़ी बात कि वह अपने ऊपर किए जाने वाले मजाक से दुखी नहीं होते, ना ही गुस्सा होते। उन्हें अपनी एबिलिटी इसके बारे में बखूबी पता है और वह उसको निखारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक बात जो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि हम आज जो करते हैं, हमारी आज जो भी आदतें हैं, वह हमारा आने वाला कल डिसाइड करेगा। अब आदतें अच्छी हो तो फ्यूचर अच्छा होगा, इसीलिए आप जो भी चीजें करें, जो भी कंटेंट को कंज्यूम करें, एक बार खुद से यह सवाल करें कि क्या यह चीज, क्या यह आदतें मुझे आने वाले कल में जैसा इंसान मैं बनना चाहता हूँ वैसा बनने में मेरी मदद करेगा। अगर जवाब हाँ है तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट। और अगर ना है तो नीचे कॉमेंट में बताइए कि आप इस बात से कितना रिलेट कर पा रहे हो। तो हम लोग प्रे करते हैं युजवेंद्र चहल यूं ही अपने थॉटफुल बॉलिंग से बल्लेबाजों को आउट करते रहे और इंडियन टीम को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।